हेलो एवरीवन, शेफ़ फातिमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो केरला की ट्रेडिशनल डिश है जिसे हम टैमरिंड के साथ बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़िश विद टैमरिंड सॉस या फिर साउथ इंडियन स्टाइल फ़िश बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ ड्राई मसालों को रोस्ट करेंगे। हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून सेसमे सीड्स यानी वाइट तिल, 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसकी जगह सूखा नारियल जिसे खोपरा भी बोलते हैं या गोला भी बोलते हैं आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप उसका यूज़ करें तो 5 से 6 टुकड़े 1-1 इंच के आप ले सकते हैं। इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों को रोस्ट कर लेंगे, सेसमे सीड्स, मेथी दाना और ज़ीरा। इन तीनों को पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इनमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब हम उसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे और कुछ सेकेंड इनके साथ ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और उसी पैन में हम 1 कप ऑयल डालेंगे और उसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मेरी फ्राइड ऑनियन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने पहले से ही सारे ड्राई मसाले रोस्ट करके रख लिए हैं और जब ये ठंडा हो गया तब मैंने इसे मिक्सिंग जार में डाल लिया है। और अब अपनी फ्राई की हुई ऑनियन को हम इसी जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक फाइन और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। 1 किलो फ़िश लेंगे। फ़िश आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रोहू फ़िश यूज़ की है। और इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इस तरह से हम 10 से 15 मिनट इसे मैरिनेट करके रख देंगे और फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे जिसके अंदर ऑयल ऑलरेडी है। मैंने इसी कढ़ाई में पहले ड्राई रोस्ट किया था और फिर इसी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डालकर प्याज को फ्राई किया। प्याज को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा है उसी में हम अपनी फ़िश फ्राई करेंगे। फ़िश फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा सही से गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बिल्कुल हल्का। अगर ऑयल कम गर्म होगा तो फ़िश उसमें चिपकने लगेंगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा ऑयल सही से गर्म हो। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें डालेंगे फ़िश के पीसेस। फ़िश को डालते के साथ ही नहीं चलाना है, नहीं तो वो टूटने लगेंगी या फिर चिपक जाएंगी। कुछ सेकंड्स के बाद ही हम इसे टच करेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक बैच की फ़िश को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। टर्न करते हैं। चार मिनट हो गए हैं, हमारी फ़िश दोनों तरफ से गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी की फ़िश भी फ्राई कर लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून सरसों, 4 सूखी लाल मिर्च जिसे इस तरह तोड़ के डाल दें, 2 मैं तोड़ के डाल रही हूँ और 2 मैं साबुत ही डाल रही हूँ, और 15 से 20 करी लीव्स। गैस की फ्लेम स्लो पर ही रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। स्लो फ्लेम पर ही हल्का सा मिक्स करेंगे 1/2 मिनट के लिए। 1/2 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी के साथ डालेंगे 1 to 2 टेबलस्पून पानी। मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी हाई कर लेंगे, मीडियम।
और इसे हाफ मिनट ऐसे ही भून लेंगे। हाफ मिनट हो गया है और अब इसमें डालेंगे हम पेस्ट जो हमने प्याज का, सेसमे सीड्स का और कोकोनट का बनाया था। और जार में अब थोड़ा सा पानी डालकर हम सारा मसाला इसमें डाल देंगे और अब मीडियम फ्लेम पर हम मसाले को भून लेंगे। मसाले को तब तक भून लें जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको थिक पसंद है तो आप थिक भी कर सकते हैं और अगर थोड़ा पतला खाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें 1 कप पानी और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी थिक लग रहा है, तो मैंने टोटल 3 कप पानी डाला है इसमें। और अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून इमली पेस्ट। अगर आपके पास इमली का पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पर सूखी इमली को भिगोकर उसका पल्प हटाकर और उसे छानकर उसके पानी को 1/2 कप पानी को डाल सकते हैं। आप कितना खट्टा पसंद करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। और बस इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें एक बॉयल आने देते हैं। ओपन करते हैं, गैस की फ्लेम स्लो करेंगे। अब इस टाइम पर आप नमक और मिर्च दोनों टेस्ट कर सकते हैं और इमली का खट्टापन भी टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो आप डाल सकते हैं अभी। और अब इसमें डालेंगे फ़िश के पीसेस। हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसे ढककर 2 मिनट हम स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे ताकि फ़िश के साथ हमारी ग्रेवी मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया फाइन चॉप। मिक्स करेंगे और हमारा फ़िश विद टैमरिंड सॉस तैयार है या फिर साउथ इंडियन स्टाइल फ़िश तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें।